अस्सलामुअलैकुम जी, आज आप लोग भी बना रहे हैं एक और कबाब की रेसिपी जो कि चिकन के साथ में है। ये है रेशमी चिकन कबाब। ये देखिए क्विक रेसिपीज़ हैं जो आपके लिए, मैं रमदान के लिए बना रही हूँ, तो आप ये बना सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। पैक लंच में चीज़ें जो आपको चाहिए वो है चिकन के ब्रेस्ट के पीसेज हैं, यहाँ पर प्याज आपको चाहिए यानी कि अनियन रफली आपने इसको चॉप कर लेना है, फ्रेश हरा धनिया, दैट्स फ्रेश कोरिएंडर, आपको पता मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और देख लें इसका कलर माशाल्लाह भी बिल्कुल सही है। बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर बीच में जाएगा, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। कोकोनट यानी कि डेसिकेटेड है यानी खोपरा आपको पैकेट्स में मिल जाता है। सॉल्ट यानी कि नमक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट है। पिसी हुई काली मिर्च, दैट्स ब्लैक पेपर पाउडर। क्योंकि ये रेशमी कबाब है बिल्कुल मुलायम बनते हैं, आप मीट टेंडराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पपीता इस्तेमाल कर रही हूँ। दैट्स पपाया पेस्ट है। पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। चंद हरी मिर्चें जाएंगी। मक्खन यानी कि बटर, कोयले का धुआं देंगे। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चॉपर की जरूरत होगी, चिकन को इसमें डालेंगे और सबसे पहले इसको चॉपराइज करके आपने बारीक कर लेना है, क्योंकि ये बहुत मुलायम होते हैं, तो आपका जो चिकन का, अगर आप कीमा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने मशीन में से दो दफ़ा आपने गुजारना होता है और दोबारा यही प्रोसेस करना होता है, लेकिन मैं ब्रेस्ट के इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पहले मैं इसको अच्छी तरह जो है चॉपराइजर में कर करके इसका कीमा बिल्कुल बारीक बनाती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट दिखा। आपने अच्छी तरह फाइन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि प्याज है, हरा धनिया, बेसन, डेसिकेटेड कोकोनट, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, आप वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पपाया, पिसी हुई लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, और जाएगा बीच में मक्खन, और आप इसको दोबारा चॉपराइजर को ऑन करेंगे और तमाम चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। पीस ना देख लें कितना ये सॉफ्ट बन चुका हुआ है, इसमें कोई भी जो है चिकन आपको नज़र नहीं आना चाहिए, कम्प्लीटली पेस्टी होना चाहिए। थोड़ा सा तेल आपने हाथ पे लगाएंगे कि ये रेशमी है, आपके हाथों पे ये बहुत ज़्यादा चिपकेगा। तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, आप इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ही कम तेल में ये बनते हैं। तो इस तरीके से आप इसके कबाब की शेप बना लें, गोल बना लें, या फिर जैसा कबाब का शेप होता है लंबाई में वो कर लें जो आपका दिल चाहे, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये कर लेने के बाद इस स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और डीफ्रॉस्ट कर लें फ्रिज में रख करके, उसके बाद इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कबाब बना लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट दिखा। कितना थोड़ा तेल इसमें इस्तेमाल होगा फ्राइंग के लिए, बीच में आप कबाब को डालेंगे और फ्लेम को आप रखेंगे मीडियम पर, और आपने इन्हें तमाम को फ्राई कर लेना है। जो आपको कोयला दिखाया था उसे आप रेड हॉट कर लेंगे, गर्म कर लेंगे, ताकि हम इसे कोयले का धुआं दे सकें। आपने इसे लो टू मीडियम या मीडियम के दरमियान में कुक करना है। चिकन के ब्रेस्ट के पीसेज हैं, बीच में पपीता यानी कि रॉ पपाया, बहुत जल्दी गलेंगे। अगर आप इसकी सॉफ्टनेस देखें तो ये देख लें माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बनते हैं ये, कि आपके मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। इसी तरीके से तमाम को आपने सिर्फ जो है रफली कुक कर लेना है। 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे, जैसे इन पर गोल्डन कलर आएगा आप इसे निकाल करके एक साइड पे इकट्ठा कर लें, और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको आपने कोयले का धुआं के साथ तैयार हो जाते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं, ये ऑप्शन है, लेकिन आई प्रेफर दिस, क्योंकि जो आप जब इसको धुआं देंगे कोयले का, तो प्याज के जो हमने यहाँ पर ये काटे हैं स्लाइसेस, इसमें भी जायका आ जाएगा। इसमें आप रखेंगे फॉइल, और बीच में आप रखेंगे पहले का, बीच में रख कर इस पर आप थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे कवर कर देंगे जब तक ये धुआं बिल्कुल सही रहे। आपके रेशमी कबाब स्मोक दे देने के बाद एक आधा आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं, कि आप देख लें कि इसकी सॉफ्टनेस देखें, और ये देखें माशाल्लाह, आपको एक आधा तोड़कर भी दिखा दिया है। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर, ज़रूर बनाइए। ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।